अबे तू बोला मत क्या, मैं तेरे को देखने लग गया था बीच में। चलोगी? हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग एंड वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम लोग आपको बताएंगे विच ग्राफिक कार्ड टू बाय इन द ईयर 2023। जैसे आपको पता यार, एनवीडिया की तरफ से मोस्टली 4000 सीरीज के एसक्यू रिलीज हो गए, सो वी विल टॉक मोस्टली अबाउट दीज ग्राफिक कार्ड्स ओनली। 4060 से लेके 4090 का हर एक का यूज केस क्या होना चाहिए, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो डू चेक आउट द कंप्लीट गाइड। लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या एसक्यूज। पहली बात तो आ गए एनवीडिया की तरफ से, वी हैव 4060, 4060 टीआई, 4070, 4070 टीआई, 4080 एंड 4090। सबके यूज केस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट व्हिच इज 4060। इट इज द लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड जो अभी एनवीडिया की तरफ से आया है। इट इज कमिंग आउट विद 8 GB ऑफ वीरैम, GDDR6 इसकी वीरैम का स्पीड है एंड इट इज कमिंग आउट 3772 इसके कूडा कोर्स है। इट इज अ वेरी गुड ग्राफिक कार्ड इन टर्म्स ऑफ इसकी जो TDP है विच इज वेरी लो, अबाउट 115 वॉट का इसका TDP है। उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। इट इज अ 1080p कार्ड, तो आपको अगर गेमिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल फोर्जा में मैक्स सेटिंग में इट इज गिविंग अबाउट 100 FPS। स्पाइडरमैन में भी अगर आप मैक्स सेटिंग्स करोगे 1080p पे इट इज अगेन गिविंग 100 FPS की एवरेज है इसकी। अगर आपको FPS गेमिंग करेंगे विच मीन्स वैलो खेलना है या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है उसमें भी काफी हाई FPS है आपका, तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ 1080p कार्ड इट इज अ वेरी गुड कार्ड। एंट्री लेवल एडिटिंग भी हो जाएगी, प्रीमियर प्रो करना हो आपको या आफ्टर इफेक्ट्स चलाना हो या फोटोशॉप करना हो, इट इज अ वेरी गुड एंटर लेवल एडिटिंग कार्ड एज वेल। सो जो इसका प्राइस पॉइंट रहेगा इट इज कमिंग अराउंड 30 to 32,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो उसके आसपास आपको एक डिसेंट 4060 का प्राइस मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड वी हैव इन द लिस्ट इज द 4060 Ti। ये वाला एक गीगाबाइट का है 4060 Ti, इट इज अ वाइट वर्जन, ट्रिपल फैन वर्जन है, सो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइजेस जो आपको है उस हिसाब से आप डबल डुअल फैन या ट्रिपल फैन ले सकते हो। IONOS 3D का डुअल फैन अच्छा है, गीगाबाइट का ट्रिपल फैन भी अच्छा है, इवन MSI का भी डुअल फैन काफी अच्छा है। इट इज कमिंग आउट विद 4700 के आसपास का कूडा कोर्स है। इसके दो वर्जन आएंगे, 16 GB वाला वर्जन इट इज रिलीजिंग इन जुलाई, तो वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट देन। अभी 8 GB का वर्जन रिलीज हुआ है, GDDR6 मेमोरी के साथ है, अगेन अमेजिंग 1080p टू 2K कार्ड, बहुत अच्छा है ये। फोर्जा होराइजन इसने 1080p मैक्स पे दी है 125 एंड फोर्जा होराइजन इसमें 2K पे अल्ट्रा पे दी है इसने अबाउट 100 FPS, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा कार्ड है एडिटिंग के लिए, काफी अच्छा क्योंकि इसकी TI कार्ड होता है तो एडिटिंग के लिए काफी अच्छा होगा, यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू दैट एज वेल। प्लस इसका साइबर पंक पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया है विद 650 FPS आई थिंक 2K पे है एंड 73 FPS आपको मिल जाएगा 1080p अल्ट्रा सेटिंग में, यू कैन गो फॉर दिस कार्ड। And this one is coming at a price point of about 40,000, 41,000. Again, depends upon the brand आप कौन सा लेते हो। IONOS 3D थोड़ा सा cheaper मिल जाएगा, Gigabyte के कुछ models आपको cheaper मिल जाएंगे, but MSI के आसपास आपको 40 to 41,000 का आपको मिल जाएगा। Now let's talk about 4070. 4070 is coming out with 12 GB of VRAM and it is a very very good card. ये वाला dual fan है, triple fan versions available है सारे brands में, so you can check different brands and उसकी costing accordingly है। 4070 जो है 5 triplet CUDA कोर से आता है, it is a 2K gaming card, 2K में amazing performance है, आपको FPS gaming खेलने हैं, आपको triplet titles खेलने हैं, सब में very good FPS, Forza में 115 FPS दे रहा है, Cyberpunk में भी काफी अच्छी FPS है, do look for, अगर आप 2K gaming खेलना चाह रहे हो, do look for this card, very good performance। Now, if you're looking for editing, editing के लिए इन्होंने इसमें 12 GB of VRAM दिया, GDDR6X, very good VRAM, तो अगर आपको editing करनी है, आपको 3D rendering करनी है, modeling करनी है, उसके लिए काफी अच्छा graphic card है, at a very good price as well, it is coming around 57 to 62,000 के आसपास इसका, depending again, depending upon the brand, आपको इसको price मिल जाएगा। So, let's talk about 4070 Ti now, 4070 से ऊपर का version है, तो VRAM सेम है 4070 जितनी, which is 12 GB, GDDR6X की जैसी VRAM सेम है, मेमोरी की स्पीड सेम है, बट हायर कूडा कोर्स हैं, 7600 के आसपास के कूडा कोर्स हैं, इट इज अ 2K से 4K गेमिंग भी हो जाती है, 4K गेमिंग आपको फोर्जा में 80 FPS दे देगा एंड स्पाइडरमैन में 100 FPS के आसपास दे देगा,
2K कार्ड आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। मेजरली जो 4070 का यूज केस हम लोग प्रेफर करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, इज एडिटिंग एंड रेंडरिंग, बिकॉज इसका जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ, जब आपको एडिटिंग करनी है प्रीमियर प्रो पे, हाई लेवल एडिटिंग करनी है, आपको 3D मॉडलिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, यूजली आर्किटेक्ट्स वगैरह को ये काफी यूज आता है, तो वहां पे इस कार्ड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। डेफिनेटली अगर आपको एडिटिंग करनी है, डू कंसिडर ये वाला कार्ड 4070 Ti। इसका प्राइस पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड 80 to 90 thousand के बीच में आता है। कुछ कार्ड जोटेक वगैरह के 81 thousand 82 thousand के आते हैं, एंड कुछ आपको MSI का आपको मिल जाएगा अबाउट 86 to 87 thousand का आपको MSI का मिल जाएगा। तो डू लुक फॉर इट अगर आपको एडिटिंग करनी है, एंड अगर आप 4K गेमिंग साथ में करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस कार्ड। विल टॉक अबाउट 4080, वन ऑफ द नॉट सो पॉपुलर कार्ड जो एनवीडिया का इस रेंज में गया है। ऑल्दो एज पर आर एक्सपीरियंस जो उसका यूज केस था, तभी यूज हो सकता है अगर उसका काफी हाई वी रैम, अगर 16 GB वी रैम का अगर आपको कार्ड लेना है, बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस पॉइंट थोड़ा सा अनपॉपुलर रहा। जैसे मैंने आपको बताया प्राइस थोड़ा उसका हाई है, प्राइस आसपास इसके 1,10,000 प्लस ही जाता है उसका प्राइस यूजली, डिपेंडिंग ऑन, अगेन डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड जैसे भी है, बट इट इज अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपको यू नो एडिटिंग करनी है, AI ML के लिए यूज करना है, और इफ यू वांट टू गो विद गेमिंग एज वेल, गेमिंग में 4K 8K आप काफी अच्छी इसके यूज केसेस हैं। कूडा को इसके 9,728 के आसपास आते हैं, बट अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से यू कैन ऑल्सो शिफ्ट टू 4090, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट अगेन अगर आपको कार्ड लेना है, मेजरली आपका VRAM का आपको यूज केस होना चाहिए आपका, एंड आपका थोड़ा सा एडिटिंग मॉडलिंग आपकी बहुत हाई एंड होनी चाहिए, तब जाकर आपको 4080 का अच्छा यूज केस निकलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइटी 4090। आई मीन इससे बेटर कार्ड आपने देखा ही नहीं होगा आज तक एनवीडिया में। इट इज दी बेस्ट कार्ड पॉसिबल राइट नाउ इन द मार्केट। इट इज कमिंग विद 24 GB ऑफ VRAM GDDR6X। ऑब्वियसली इट इज दी हाई एंड ग्राफिक कार्ड राइट नाउ। 16,000 इसके कूडा कोर्स हैं, तो AI के बंदो, AI आजकल वैसे ही बहुत फेमस हो रहा है, तो AI मॉडल्स रन करने के लिए यू कैन गो फॉर इट। एक्चुअली तो एक नहीं, दो दो 4090 लोग लेके जाते हैं। सो या AI के लिए इट इज अ परफेक्ट कार्ड। वीडियो एडिटिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कुछ भी इस पे डालो, 4K एडिटिंग, इवन 8K एडिटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, दिस कार्ड कैन हैंडल एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट राइट नाउ। 3D मॉडलिंग, एनिमेशंस, AI मॉडलिंग जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो एडिटिंग, 8K गेमिंग तक हो सकती है इसमें। फोर्जा होराइजन अगर आप खेलोगे 8K तक हो सकता है। अमेजिंग कार्ड है, एंड दिस वन पर्टिकुलर मॉडल इज कमिंग अराउंड, इसका प्राइस बहुत वेरी करता है, दिस पर्टिकुलर मॉडल कम्स अराउंड 1,64,900 के आसपास। ये वाला मॉडल है जोटेक का, 5 ईयर्स की वारंटी है सिर्फ जोटेक में, बाकियों की आपकी डिफरेंट रहेगी। बट अगेन यार 4090 की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बट या यू कैन, इफ यू वॉन्ट, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बजट एंड दैट काइंड ऑफ यूज केस, डेफिनेटली गो फॉर इट। 450 वॉट की इसकी हाई TDP है, तो 1200 वॉट का SMPS में कंजूसी मत करना, गो फॉर इट, आपको रिग्रेट नहीं होगा। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके लिए सूटेबल रहेगा, आपके PC के हिसाब से, आपके यूज केस के हिसाब से, डू कॉन्टैक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। एक वी कैन हैव अ कंप्लीट डिस्कशन अबाउट योर यूज केस, कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको देना चाहिए, एंड उसके आपके बजट के हिसाब से, आपके यूज केस के हिसाब से। एंड ऑल्सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाई अ PC फ्रॉम क्रिप्टोनिक्स गेमिंग, डू कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम द डिटेल्स डाउन बिलो। थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब।